आपको बता दें कि पटना में आज बारिश हुई, झमाझम बारिश हुई, लेकिन इस बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। कहा जा रहा है कि भाई नगर निगम जहां कह रहा था कि नहीं हम पूरी तरह से तैयार हैं, तो इन तस्वीरों के आप देखकर आप समझ सकते हैं कि पटना जो है वो कितना तैयार है बारिश को लेकर। अगर भारी बारिश हो जाए तब तो पटना शहर का क्या हाल होगा, अभी आप ये देख सकते हैं, ये एक से दो दो तीन घंटों की बारिश का ये हाल है। तो फिर अगर लगातार बारिश हो तो फिर क्या होगा। चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंदन, ये कहा जा रहा था कि भाई नगर निगम की तरफ से नहीं, देखिए हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने तो बुरा हाल कर दिया पटना सिटी का। जी देखिए बिल्कुल, चूंकि इसके पहले लाख दावे कर रहे थे और लगातार चूंकि जैसे ही मानसून आता है उसके पहले जो है राजधानी में जो है नाला उराही का कार्य चलता है और तमाम जो पटना जिले में जो तमाम बड़े बड़े नाले हैं और छोटे नाले हैं सबको साफ किया जाता है और उसपे जो राजस्व जो है करोड़ों में खर्च होती है, तो इसलिए ताकि जो जब मानसून आए तो राजधानी में जल जमाव न हो। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी जो है नगर निगम की जो है पोल खुलती हुई नजर आ रही है। महज कुछ घंटे के बारिश में लगातार जो है कई स्थिति इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बात कर लिया जाए तो ये जो चूंकि छज्जूबाग में जजेज आवास है, कई वहां विधायक के आवास हैं, उस इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई और ठेवना भर पानी से ऊपर जो है वहां पानी जो है वो लग गया। उसके बाद बात किया जाए तो SBI के पास, एग्जीबिशन रोड, कदम कुआं, राजेंद्र नगर, कई इलाकों में जो है जल जमाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई। तो नगर निगम की बिल्कुल कई घंटों की बारिश जो है नगर निगम की पोल खोल दी है। हालांकि जैसे ही बारिश हुआ नगर निगम के लोग एक्टिव हुए हैं और जल निकासी की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। जी जल निकासी की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन नगर निगम अब इसको लेकर कुछ बोल रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश हो गई तब तो पता चला पटना शहर ही ऐसे डूब जाएगा, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे अभी जब ये हाल है। जी देखिए बिल्कुल, चूंकि बारिश को देखते हुए अभी तुरंत जो है नगर निगम को जो आयुक्त हैं उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और नगर निगम के कई अधिकारी जो हैं उस बैठक में शामिल थे और तमाम अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनको अलर्ट मोड में रहने का एक आदेश दिया गया है और तीन पाली में तीन शिफ्ट में जो है लोगों को लगाया गया है। अभी लगातार तीन दिनों तक रात में भी जो नगर निगम के जो स्टाफ हैं वो रहेंगे और साथ ही साथ जिन इलाकों में जलजमाव की आज स्थिति हुई है उस इलाकों में जो है बोर्डिंग रखा गया है। जैसे ही बारिश शुरू होगी वो बोर्डिंग के माध्यम से वहां से जल पानी जो है वो निकालने का काम जो है वो करेंगे और साथ ही साथ सम्प हाउस जो है उसे भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि जैसे ही रात में यदि तेज बारिश होती है और जलजमाव की स्थिति होती है तो जो 2019 में जो पटना डूबा था उस तरह की स्थिति न हो इसका खास ख्याल रखा गया है और सख्त निर्देश दी गई है। जी मनीष, नाली की सफाई के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए बिल्कुल, नाले की सफाई चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि नाला उड़ाही जो है इसके पहले ही किया गया था, लेकिन अभी भी देखने वाली बात है, तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कई इलाके ऐसे हैं कि मानसून में भी अभी भी नाला जो है वो खोद कर छोड़ दिया गया है, वो कहीं न कहीं हादसे को जो है आमंत्रण दे रही है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है उन इलाकों में। हालांकि ये लगातार कई बार फटकार भी एजेंसियों को लगा था कि जो मानसून आने वाला है उसके पहले जो है ये काम कर लिया जाए, लेकिन अभी भी राजधानी में कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में जो नए नए नाले का निर्माण जो है वो किया जा रहा है और नाला जो है ऐसे ही खुला हुआ है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अभी ये थोड़ी सी बारिश से पटना सिटी जो है पूरा जल भराव हो गया, घुटनों तक पानी आ गया, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, काफी परेशानियां होने लगी लोगों को, सोचना पड़ेगा नगर निगम को, क्योंकि नगर निगम की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही। फिलहाल हमारे खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ 22 को। नमस्कार।